हमारे टीम मेंबर का ड्रोन आ चुका है यहाँ पे, ब्रांड न्यू गुड्डन पे देख सकते हैं, खुशी की लहर जाग चुकी है, दौड़ चुकी है। ओए गुड्डन ने चाय गिराते गिराते बचा दी। और आखो तो साल ही यार 28 बाप रे, 27 साल पूरे होंगे, 28 साल लग गया चेतना, तो चेतना को हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे। मुंह धोने का पेस्ट करने का बिल्कुल टाइम भी नहीं हो पाता है। हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इस ब्लॉग में। आज हम काफी स्पेशल ब्लॉग शूट कर रहे हैं और स्पेशल टाइम में, शाम के 5:30-6 बजे के समथिंग अभी, और हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं आसू भाई के ड्रोन के अनबॉक्सिंग का। हमारे टीम मेंबर का एक ड्रोन आ चुका है यहाँ पे, ब्रांड न्यू एकदम पैक्ड है, DJI Air 2S। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा ड्रोन है ये, मेहनत की कमाई से लिया हुआ। देख फाड़ दे के नो ऑन द लग रहा था आनंद, ये है ना अपनी लाइन पे आ गया। अब अनबॉक्सिंग ऐसे की जाती है ना देसी स्टाइल में एकदम। गुड्डन पे देख सकते हैं खुशी की लहर जाग चुकी है, दौड़ चुकी है। ओए गुड्डन ने चाय गिराते गिराते बचा दी और गुड्डन ने ये अपना चुपा चुप गिरा दिया। ये रहा ब्रांड न्यू प्रीमियम सा ड्रोन, ये वर्टिकल भी होता है क्या? नहीं, इसमें दो सेंसर एक्स्ट्रा हैं। अच्छा, उससे थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, तो ये हो चुका है फाइनली हमारा ड्रोन अनबॉक्स, स्पेशली मेड फॉर आईफोन लिखा है इसमें। अब आसू तो उसको लेना पड़ेगा एक आईफोन, इसके लिए वो भी जल्दी लेगा, उसकी भी अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पे होगी। जल्दी निकालना है, समय ना भाई। ये हमारा ब्रांड न्यू रिमोट, ये अच्छा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है उससे ना, चौड़ा है ना। हाँ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा, नया नया ना तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो आशुतोष भाई को ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट करिए इनको कमेंट में, जो जो इन्हें जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी कर देना यार। हमारे भाई ने बड़ी मेहनत करके दिन रात लगन से ड्रोन खरीद रखा है 1.5 लाख रुपये का। इसकी पार्टी कब मिलेगी? हाँ ठीक है, इसकी पहली कमाई से हम पार्टी करेंगे इस ड्रोन की, ठीक है। चलो फिर मैं चल रहा हूँ। हाँ ओके बाय, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस अब है बारी चेतना के आ जाने की। आज रात को 12 बजे के बाद चेतना का बर्थडे होगा, तो चेतना का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे रात में, इसलिए मैं चुपचाप सरप्राइज के तौर पर केक ले जा रहा हूँ। अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली है और अब चलते हैं चेतना की बर्थडे पार्टी। एडवांस में बर्थडे पार्टी करेंगे और कुक्कू भाई का भी बर्थडे है एक दिन आगे पीछे, छोटे बड़े हैं कुक्कू भाई और चेतना, तो कुक्कू भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा अभी और उसके बाद भी चेतना का। तो फटाफट निकलता हूँ अभी, फटाफट यहाँ से सीधे वहीं पहुँचे, कंटिन्यू करता हूँ। A few moments later, ये देखो बर्थडे बॉय तो इधर मुंह चमकाने में लगे हुए हैं। हैप्पी बर्थडे भाई। अरे बस कर भाई, चमक गया चेहरा, बर्थडे बॉय का दस्त ला दो सर। वीडियो बड़ा है मिला अब। कैप का तो खतरनाक है रे। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे कैप भी आ रखी कुक्कू के लिए। भाई फिर तेरा काम है चल, एक दिन छोटे बड़े हैं दोनों ही, तो फिलहाल केक ही रहा। और पहाड़ी डेकोरेशन नमकीन और या पहाड़ी डेकोरेशन ये जरूर होनी हुई मैंडेटरी, नमकीन और बिस्कुट ये जरूर चैन भी आई। स्पार्कल जितना लाइट था कब जाने लगने यहाँ फिर ले। जितना लाइटर टिप ले जाओ मम्मी। ओए फर्स्ट क्लास जैन मलिक। गिफ्ट भी मिल गया। काम जान दूं मैं तेरी, काम लूं
to you. Happy birthday, dear Kuku. Happy birthday. तो गाइस डिनर वगैरह करके रूम पे आ गया मैं सोने के लिए, और कुकु भाई अपने रूम पे गया सोने के लिए, जीजू लोग भी गए सोने के लिए। लाइफ में मतलब अभी तक अंकित भाई ने, कुकु भाई ने अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया, तो हमने आज सेलिब्रेट किया। हम काफ़ी लकी है कि उनके फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन में हम लोग साथ में थे। अचानक से मेरा शाम को मूड बना कि मैं जाऊं। मैं तो ये सोच रहा था कि सरप्राइज़ केक लेके मैं आऊं, बट सरप्राइज़ जीजू ने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था, तो जीजू पहले केक लेके आ गए थे। मैं सिर्फ चेतना के लिए लाया, फिर जो कि अभी रात को काटेंगे या कल काटेंगे कुछ कन्फर्म नहीं, क्योंकि मेरे को नींद आ रही है बहुत जोर से। 3 दिनों से सोया नहीं हूँ सही से, जलन हो रही है आँखों में और चक्कर जैसे आ रहे हैं क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रखी है। तो फिलहाल अभी सो जाता हूँ, और सुबह सुबह फिर मैंने निकलना भी है काम के लिए। कल लोकेश भाई की शादी है, वहाँ भी जाना है। Birthday to you. खुद का विश करूँ तो खुद आ रहे। खुद भाई जी उठिया गाँव में चाय आ गई भाई मॉर्निंग की पहली। थैंक यू आका तू साले यहाँ 28 बाप रे 27 साल पूरे होंगे, 28 साल लग गया चेतना, तो चेतना को हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे। परसों मिलूंगा, बाय बाय। हाँ पहले हैप्पी बर्थडे फिर से, शाम को वीडियो कॉल कर लेना अगर फ्री होगे तो। ये बखाए गए थे गाना चल यार भाई फिर मैं चल रहा हूँ। हेलमेट तो ली क्या? हेलमेट 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 चल ठीक है ओके बाय बाय। इमरजेंसी में फटाफट निकलना पड़ रहा है, एक जगह और शूट है जहाँ कल हम लोग गए थे हल्द्वानी, उसी के छोटे भाई की शादी है लक्कू की, हमारा फ्रेंड है यानी कि, तो उसकी शादी है फटाफट से, उसकी हल्दी भी होनी है और सब कुछ अभी होना है, आज ही बारात जा रही है, तो फटाफट से बस निकलता हूँ। सेलिब्रेशन नहीं हो पाया बट शाम को चेतना लोग दिखाएंगे वीडियो कॉल में या वीडियो में। फिलहाल मैं सीधे वही पहुँच के कंटिन्यू करता हूँ। मैं सच बताऊँ तो मुँह धोने का पेस्ट करने का बिल्कुल टाइम भी नहीं हो पाता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमें यार। ऐसे फटाफट फटाफट करके आया, मैं घर जाने वाला था, चेंज करने वाला था पर नहीं कर पाया। जो मैंने हल्द्वानी कपड़े पहने थे वही मैं यहीं पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल घर जाने का समय ही नहीं हुआ। कल थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने कहा कि नीचे बर्थडे में चलते हैं, तो कल मैं बर्थडे में निकल गया था और आज बस सीधे सुबह होते ही आँख खुलते ही सीधे जा रहे हैं बारात वाले घर की। फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाया है, तो फिलहाल घर पे चलते हैं और लक्कू भाई की शादी करते हैं आज, मतलब शूट करते हैं यार। भाई चलो दौड़ लगाओ आंसू, हिट हिट हिट, थोड़ा स्पीड पकड़ना भाई। पहुंच गए भाई, पहुंच गए, ये और सबसे लेट यही करता है पास्तू। मैंने नहीं किया भाई, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। तो फिलहाल हम बारात लेके निकल पड़े हैं, सबसे आगे हम लोग, और हमारे साथ में आज है पूरे दिन निर्मलदा। शॉट तो ठीक है लेकिन यार शीट नहीं हुई यार। निर्मलदा पूरे दिन साथ में रहेगी और योगेश चलाएगा आज वरना। मैंने कमर नहीं लगा रखी भाई, आज आशुतोष पीछे बैठा हुआ है। तो हम लोग कुछ ऐसे शूट करते हैं गाड़ियों के काफिले के दूल्हे के साथ में, ऐसे डिक्की खोल के गाड़ी में उल्टा बैठ के एक बंदा गिम्बल से शॉट लेते रहता है दूल्हे की गाड़ी का और सारे बारातियों का, सारी गाड़ियों का। और इसका रिजल्ट देखना है तो भाई हमारे साथिया फिल्म्स के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी।
एक चीज बोलना भूल गया यार, फोटोग्राफी के साथ साथ में दूल्हे की गाड़ी की बुकिंग भी आप दे सकते हैं। और गाड़ी में हमेशा ओरिजिनल फूल यूज किए जाते हैं निर्मलता द्वारा, चाहे वो गुलाब के हो चाहे गेंदे के हो, और डेकोरेट भी बढ़िया से की जाती है खुद ही से, डेकोरेशन सब कुछ ठीक है। और बाकी किलोमीटर के अकॉर्डिंग रेट फिक्स होता है, डेकोरेशन का एक अलग से रेट है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है। इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर देना, निर्मलता देख लेना। जय हो गंगना जी। ये हम एंटर हुए पापा के ननिहाल में। तो दोस्तों दिल थाम के बैठे, अब आपके सामने पंचाचूली पीक्स दिखाने जा रहे हैं हम। पंचाचूली की सारी पीक दिखाएंगे हम ठीक है, एक मोड़ आगे, बहुत ही प्यारा व्यू आएगा यहाँ से। ये देखो भाई पंचाचूली पीक जो दिखते हैं, जो खलिया टॉप से दिखाई देते हैं, कितना मस्त लग रहा है यार। वाह, अभी स्नोफॉल हो रखा है ना वहाँ, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे और पहाड़ दिखते रहेंगे चारों तरफ से। चेतना का ससुराल भी दिखाई देता है इधर से, वो रहा चेतना का गांव ये वाला। पहुंच गई भाई बारात इधर, हम लोग वेट कर रहे हैं जन्माष्टमी पे, चाय नाश्ता यहाँ पे। आज तो वेट कर रहा है, सब लोग गेट पे आएंगे तो वहां शूट करेगा उनको। गुड योगेश भाई, थैंक यू दोस्त। ये हमारी लाइट राइट देख रहा है भाई, तो उससे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं भाई साहब, बहुत परेशान हो रखे आज। तो ये परसों कल भेजेंगे हम, इसी ड्रेस में भेज देते हैं इसमें यहाँ कल। साढ़े सात हो चुका है, करेक्ट 7:30, और बारात जानी चाहिए थी 5:30 बजे, बट यहाँ पे हमें 7:30 बज चुका है, काफी लेट हो गया है। और अब हम चल रहे, विदाई हो गई है, तो अब हम चल रहे सीधे घर की ओर, यानी कि दूल्हे के यहाँ। पहले उसके आ जाएंगे और वहाँ पे अभी पार्टी होगी, शाम को रिसेप्शन वगैरह इनका शाम ही हो रहा है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। रात को पता नहीं 12 बजे का 1 बजे का यही होगा कुछ टाइम, पता नहीं क्या। अब हम चल रहे हैं घर की ओर मस्त।